अस्सलाम वालेकुम। CS101 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग का आज हमारा मॉड्यूल नंबर 15 है, मैथ स्टोरेज। और आज हम इसको स्टार्ट करेंगे। मैथ स्टोरेज बेसिकली होता ही है कि कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है ना, वो लिमिटेड होती है कि इसके अंदर इतना स्टोरेज है, इसके अंदर सिर्फ इतना जो सामान है या इतनी फाइल्स हैं इसको हम लोग स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। और अगर हमने ज़्यादा डाटा रखना हो तो हम लोग ऐसे करते हैं, कभी उसके अंदर SSDs लगवा देते हैं, कभी उसका मैग्नेटिक डिस्क लगवा के उसका चेंज करके उसका डाटा जो है ना इंक्रीज़ कर लेते हैं। तो मैथ स्टोरेज वही होता है कि हम उसके अंदर जो एडिशनल जो है ना डिवाइसेस लगवा लेते हैं। तो उसने इधर इसकी डेफिनेशन लिखी है, ड्यू टू वॉलेटिलिटी एंड लिमिटेड साइज ऑफ मेन मेमोरी द कंप्यूटर हैव एडिशनल मेमोरी डिवाइसेस कॉल्ड मैथ स्टोरेज। जैसे कि मैंने बताया है कि हम CDs का यूज़ कर लेते हैं अपना डाटा स्टोर करने के लिए, DVDs कर लेते हैं, मैग्नेटिक टेप्स कर लेते हैं, USBs कर लेते हैं और सॉलिड स्टेट डिस्क कर लेते हैं। खैर, वो कहता है कि इसके फ़ायदे क्या हैं, कि इसके फ़ायदे ये हैं कि ये वॉलेटिलिटी को कम कर देता है, उसके बाद ये इसके पास ज़्यादा कैपेसिटीज़ होती हैं डाटा स्टोर करने के लिए, इसकी कीमत भी कम होती है। और ये भी होता है कि बाज़ अवकात अगर हम लोगों ने कंप्यूटर जो है अपना, बाज़ अवकात लैपटॉप ख़राब हो जाता है, हम उसके कैपेसिटीज़ निकाल के उसको किसी और में डाल सकते हैं, और ये सारा काम भी हो सकता है अगर हम लोग ये यूज़ कर रहे हैं। आगे वो कह रहे हैं, हाउ इट वर्क्स, थिन स्पिनिंग डिस्क विद मैग्नेटिक कोटिंग टू होल्ड डाटा। इसके ऊपर मैग्नेटिक कोटिंग है जो कि डाटा को स्टोर कर गया है। रीड राइट हेड्स प्लेस्ड अबव एंड बिलो द डेस्क, डिस्क ऊपर और नीचे इसके रीड एंड राइट हेड्स बने हुए हैं जो कि डाटा को पढ़ रहे होते हैं या उसको देख रहे होते हैं। ईच हेड ट्रेवर्सिस अ सर्कल कॉल्ड ट्रैक, नॉर्मली ईच ट्रैक इज डिवाइडेड इनटू इक्वल सेक्टर। ये इक्वल सेक्टर्स में सब लोग डिवाइडेड हैं। नॉर्मली ईच ट्रैक इज डिवाइडेड इनटू इक्वल सेक्टर्स, सेक्टर्स हैव इक्वली ऑफ बिट्स 512 बाइट ऑफ UKBs। ये उसने उसका बता दिया कि इसमें कितने बाइट्स होते हैं, ये MCQ आ सकते हैं। आउटर ट्रैक कंटेन मोर इन्फॉर्मेशन, वो कह रहा है कि जो बाहर वाला हिस्सा है वो उसके पास जो है वो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है। बाज़ अगर हम लोग CD यूज़ करते हैं तो CD के ऊपर अगर स्क्रैचेज पड़ जाते हैं तो हम लोग देखते हैं कि हमारा डाटा लॉस हो जाता है। तो उसके कहने का मतलब यही है कि जो आउटर हमारा जो होता है ना ट्रैक, उसके पास इन्फॉर्मेशन ज़्यादा होती है, अगर वो ख़राब हो जाए तो हमारा बाइक का हिस्सा ख़राब हो जाता है। खैर, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल थी, इससे रिलेटेड नहीं था। जोन बिट रिकॉर्डिंग, एडजेसेंट ट्रैक्स फॉर्म जोन्स, अ टिपिकल डिस्क कंटेन्स 10 जोन्स, ऑल ट्रैक्स विद इन अ जोन हैव इक्वल नंबर ऑफ सेक्टर्स। ये एक बात को उसने बार बार किया हुआ है, ध्यान से देख लीजिएगा, बस खत्म। उसके बाद है सीक टाइम, टाइम रिक्वायर्ड टू मूव एंड टू रीड राइट हेड्स फ्रॉम वन ट्रैक टू अनदर। वो कह रहे हैं कि जो हमें वक्त लगता है रीड राइट हेड्स को एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक तक जाने को, उसको सीक टाइम कहते हैं। जो रोटेशन डिले है, रोटेशन डिले वो टाइम है जब तक रीड और राइट हेड उस एक डिज़ायर ट्रैक के ऊपर नहीं आ जाते हैं जो हमें चाहिए, यानी कि वो पूरी डिस्क के ऊपर से फिरेंगे जिस जगह पर हमारा डाटा होगा, जो हमें चाहिए होगा, जो हम मांग रहे हैं, जो हमारा डिज़ायर ट्रैक है उसके ऊपर जाएंगे, तो उस टाइम उस जगह तक जाते हुए उसको रोटेट करना पड़ेगा। उस जगह तक जाते हुए जिसका टाइम लगेगा वो रोटेशन डिले है। उसके बाद एक्सेस टाइम, वो कह रहा है कि सीक टाइम और रोटेशन डिले, इन दोनों का जो सम है, इन दोनों को मिलाएं तो ये बन जाता है एक्सेस टाइम। यानी कि इन दोनों को देखा जाए तो ये दोनों जो टाइम ले रहे हैं, ये दोनों टाइम वो टाइम है जो एक फाइल को एक्सेस करने के लिए हमें चाहिए। उसके बाद आ जाता है ट्रांसफ़र रेट, द रेट एट विच कैन बी डाटा कैन बी ट्रांसफर्ड टू वन फ्रॉम द डिस्क टू वन और फ्रॉम द डिस्क, के डाटा डिस्क के अंदर से ट्रांसफ़र हो रहा है या डिस्क के अंदर से बाहर से डिस्क के अंदर ट्रांसफ़र हो रहा है। जो रेट है उसका, जो जितने में वो रेट में हो रहा है वो ट्रांसफ़र रेट का कहला जाएगा। उसके बाद है मॉड्यूल नंबर 16, ऑप्टिकल सिस्टम। ऑप्टिकल सिस्टम्स में हमारे आ जाते हैं CDs, DVDs और ब्लूरेज। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख लेते हैं। और इसमें कॉम्पैक्ट इसमें सारा इसको डटा मारने की ज़रूरत भी नहीं है। इसमें है कि CD जो होती है वो 12 सेंटीमीटर की होती है डायमीटर, कंसिस्ट ऑफ रिफ्लेक्टिव मटेरियल। जैसे CD की दूसरी साइड पे एक रिफ्लेक्शन सा होता है, कलरफुल सी साइड होती है, अगर उसको रोशनी में देखा जाए। तो वह कह रहा है कि वो जो रिफ्लेक्टिव एरिया है उसके ऊपर जो है हमारा डाटा स्टोर हो रहा होता है। वो कह रहा है इन्फॉर्मेशन इज़ रिकॉर्डेड ऑन दैम बाई क्रिएटिंग वेरिएशन इन देयर रिफ्लेक्टिव सर्फेसिस, क्योंकि वो डिफरेंट कलर शो कर रहा होता है तो वो उसकी वेरिएशन है। तो डाटा इज़ स्टोर्ड ऑन अ सिंगल ट्रैक स्पायरल फ्रॉम इनसाइड आउटसाइड, ईच ट्रैक इज डिवाइडेड इंटू टू सेक्टर्स और कैपेसिटीज के 2 KB ऑफ डाटा। इसको इतना याद करना है, इसे आगे याद नहीं करना, इसको आगे पढ़ के कंसेप्ट क्लियर करना तो वो अलग बात है। उसके बाद है DVD, ऊपर इसका एब्रीवेशन याद करनी है कि CD को कॉम्पैक्ट डिस्क कहते हैं। DVD डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, CD की कैपेसिटी 600 से 700 MB तक होती है। हाउएवर जो DVD है उसके स्पेस जो है वो GBs में होती है। मल्टीपल सेमी ट्रांसपेरेंट लेयर विच कैन बी व्यूड बाय द प्रिसाइज फोकस लेयर, इट्स शेप इज़ लाइक CD। ये कोई भी इतनी बड़ी बात ही थी। ब्लू रे डिस्क BDS, ब्लू रेज यूज़ अ ब्लू वायलेट स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट इंस्टेड ऑफ रेड। कुछ रेड यूज़ करती हैं लेकिन ये ब्लू वायलेट करती है।
विच इज़ एबल टू फोकस द लेयर लेज़र बीम विद वेरी फाइन प्रिसीजन। और BDs की जो होती है कैपेसिटी और उसका जो रिज़ल्ट होता है वो DVDs की नस्बत ज़्यादा अच्छा रहता है। उसके बाद है फ्लैश ड्राइव्स में जाने से पहले उसने बताया है कि जो हमने ऊपर मैग्नेटिक डिस्क और ऑप्टिकल डिस्क पढ़ी हैं और ऑप्टिकल सिस्टम्स पढ़े हैं, उनके अंदर मसला क्या हो जाता है कि फिज़िकल मोशन इज़ रिक्वायर्ड, कि उसको एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना जो है ना वो रिक्वायर्ड है, कि उसको उठाना है, उठा के अंदर हमने लगाना है कंप्यूटर कर फिर वो चलेगा। मूविंग रीड राइट हेड्स, वो मूव करती रहती है, CD भी DVD भी, तो अगर वो मूव करती रहती है ना तो उस वजह से वो ख़राब हो जाती है। बाज़ का CD ज़्यादा देर चलाने से भी ख़राब हो जाती है। इसके बाद एविंग लेज़र बीम, उसके ऊपर लेज़र सारी होती हैं ब्लू रेज जैसी थी। ऑल दिस टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम इन कंपैरिजन विद इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी, कि ये बहुत ज़्यादा टाइम ले लेती है और ये इलेक्ट्रिक सर्किटरी के साथ है। तो आगे फ्लैश ड्राइव है, हमारी USBs हैं, तो वो कह रहा है बिट्स आर स्टोर बाय सेंडिंग इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स डायरेक्टली टू द स्टोरेज मीडियम वेयर दे कॉज इलेक्ट्रॉन्स टू बी ट्रैप्ड इन द टिनी चैम्बर ऑफ सिलिकॉन। वो कह रहा है कि इसमें हमने जो डाटा स्टोर करना होता है वो सीधे सिग्नल भेज देता है मीडियम की तरफ, जहाँ हमने डाटा स्टोर करना है वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक चैम्बर है सिलिकॉन डाइऑक्साइड का, उसके अंदर ट्रैप हो जाते हैं, और जो चैम्बर है वो इस एबल आर एबल टू स्टोर डाटा ईयर्स विदाउट एक्सटर्नल पावर। हम लोगों को उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल पावर नहीं लगानी पड़ती, फिर भी हमारा डाटा उनके अंदर जो है वो स्टोर रहता है। वो कहता है कि अगर आप बार बार USB में से अगर अपना जो है डाटा डिलीट करते रहते हैं, उसको रेज करते रहते हैं, तो वो डैमेज कर देता है सिलिकॉन डाइऑक्साइड चैम्बर को, जिसकी वजह से जो है ना वो ख़राब हो जाती है USB। नॉट सूटेबल इन प्लेस ऑफ मेन मेमोरी की जगह पर वो लग ही नहीं सकते, ये कॉमन सेंस है। सूटेबल वेयर अल्टरनेशन कैन बी अलाउड लाइक कैमरा स्मार्टफोन्स और पोर्टेबल डिवाइसेस, और रिलायबल एज ऑप्टिकल डिवाइसेस फॉर लॉन्ग टाइम। ये ऑप्टिकल डिवाइसेस की तरह रिलायबल नहीं है बिल्कुल भी लॉन्ग टाइम के लिए। SSDs सॉलिड स्टेट डिस्क, जो हमारे कंप्यूटर्स में भी डाल जाती है, जैसे मैंने पीछे बताया कि स्टोरेज को ज़्यादा करने के लिए और उसकी एक्सेस टाइम को ज़्यादा करने के लिए। लार्जर फ्लैश मेमोरी डिवाइसेस डिजाइन टू टेक प्लेस ऑफ मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क की जगह पे इसको लगा देते हैं ताकि एक्सेस टाइम जो है वो ज़्यादा हो, मतलब डिक्रीज़ हो जाए और एक्सेस स्पीड ज़्यादा हो जाए। क्विट ऑपरेशंस लोअर एक्सेस टाइम, और ये थोड़ा सा महंगा होता है मैग्नेटिक डिस्क की नस्बत। उसके बाद है SDs, हमारे मेमोरी कार्ड्स प्रोवाइड फ्यू GB ऑफ स्टोरेज, थोड़ा सा GB में स्टोरेज देते हैं हमें। इन मिनी माइक्रो साइजेस में ये अवेलेबल हैं, जैसे हम मोबाइल में डाल लेते हैं। SDHC होता है हाई कैपेसिटी कैन प्रोवाइड 32 GB, और SDHC होता है एक्सटेंसिबल कैपेसिटी विद एक्सीड 2 TB, कम्पैक्ट फिजिकल साइज सूटेबल फॉर कार नेविगेशन, जबकि हम कार्स के अंदर भी आजकल लगा के कार्स तो फिर जो है ना अपना मतलब गाने सुन लेते हैं, कुछ भी लगा लेते हैं, तो वो ये कह रहा है कि ये भी हो जाता है। इसके अंदर से भी जो शॉर्ट नोट्स हैं मैंने बना के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, आप लोग प्लीज़ उसको विज़िट करें, उसके जाकर नोट्स को पढ़ें, और अगर आ गया तो कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं कि आपको समझ आई है, और अगर कुछ भी गलत है तो वो भी हमारे साथ शेयर करें ताकि हम उसके अंदर जो है ना बेहतरी ला सकें। थैंक यू सो मच।